नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है WTC के महासंग्राम में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, WTC की महाभारत। मेरे साथ मौजूद है मानस एंड आर्यन, पूरी प्रेडिक्शन गेम प्लान हाजिर हो चुके हैं हम। 144 साल से जारी है बस एक सवाल, कौन है असली टेस्ट चैंपियन, और इस महासंग्राम में आप सबका स्वागत करते हैं हम सब। और शायद आर्यन आज फेस रिवील भी करने वाले हैं अपना। करने ही वाले हैं वो तो पहले आर्यन की मानस मुंह दिखाई करवा लेंगे, फिर प्रेडिक्शन पे चलेंगे। तो आर्यन आप अपनी मुंह दिखाई कर लीजिए। चलो यार कर ही लेते हैं, अब सब बोल ही रहे तो पब्लिक मांग रही है आपकी फेस रही है, तो ये देख सकते हैं। मैं इनको स्पॉटलाइट पे रखने की कोशिश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि इनका फेस। आर्यन कुछ बोलिए, पब्लिक को बहुत ही बढ़िया आपका चेहरा दिखेगा। हाँ तो अब आपको सबका आर्यन की शक्ल दिख रही होगी। प्रेडिक्शन हमने सोचा था कि प्रेडिक्शन वीडियो में ही बनाएंगे, मेन प्रेडिक्शन का ही सोचा था हमने, फेस रिवील का नहीं। तो पहले जब निशांत और मानस ने करी थी तो वो बोल रहे थे कि अभी कोई इतनी जरूरत नहीं है, प्रेडिक्शन के टाइम पे कर लेंगे, तो ये सही टाइम लगा, इस टाइम पे कर दिया। दोस्तों बहुत बड़ा मैच है, इतनी खुशी लोगों को हो रही है जितनी तो अभी कोविड की वैक्सीन है उससे ज्यादा तो खुशी लोगों की हो रही है। WTC फाइनल चल रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पूरी प्रेडिक्शन वीडियो बनाएंगे। प्लेइंग 11 की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की साइड से बात करते हैं। मानस आपकी प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की तरफ से संभावित जो हो सकता है, देखिए जो सेकंड और उसमें रही थी वो ही बता देता हूँ मैं। मैंने ले रखा है जैसे एक डेविन कॉनवे, टॉम लैथम, केन विलियमसन, रॉस टेलर, फिर आगे का देखना है, आगे में चलना है बीजे वॉटलिंग में, हेनरी निकल्स, बीजे वॉटलिंग, फिर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बॉलर्स की तरफ करेंगे, काइल जेमिसन है, एक तो स्पिनर में अजाज पटेल, और बाकी तीन बॉलर्स जो बचते हैं टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और नील बैगमन। आप मैट हेनरी को नहीं खिलाना चाहेंगे, मतलब कोलिन डी ग्रैंडहोम को नहीं लिया आपने? नहीं, कोलिन डी ग्रैंडहोम को मैंने नहीं लिया। देखिए काइल जेमिसन की अभी अत्यंत जरूरत पड़ेगी क्योंकि रिकॉर्ड भी काफी अच्छा खासा है इंडिया के खिलाफ, तो टीम मैनेजमेंट ये भी विचार विमर्श करेगी कि काइल जेमिसन खेला भी नहीं है इतना, काइल जेमिसन एक तो बढ़िया एक फ्रूटफुल अवतार साबित हो सकते हैं उनके लिए। अपन एक बार ये चीज बता देते कि अब से अपन जो डे वन डे टू मतलब सारे सेशन होंगे अपन सेपरेट वीडियो बनाते रहेंगे अलग अलग, क्योंकि अब शायद साथ में वीडियो बनाना डिफिकल्ट हो गया क्योंकि फाइनल है इंडिया का, तो अब ऐसे या तो बोल ही देते कि वो अलग अलग बनाएंगे। हाँ वो तो अपन बता देंगे, लेकिन आप न्यूजीलैंड की 11 से सहमत है मानस की, या फिर कोई चेंजेस कोलिन डी ग्रैंडहोम? नहीं मानस मैं बताइए न्यूजीलैंड की। तो इंडिया की प्लेइंग 11 जो मुझे लगती है वो ये कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, क्योंकि अब ये तो परफेक्ट पूरे हो चुके हैं क्योंकि केएल मयंक को जगह मिली नहीं है, फिर पुजारा, कोहली, रहाणे, पंत, जडेजा, अश्विन, बुमराह शमी और जो लास्ट ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज की वजह से चल रहा है, मैं ईशांत शर्मा की तरफ जाना चाहूंगा। ये मेरी पूरी 11 होगी इंडिया की। ईशांत शर्मा देखिए एक बढ़िया विकल्प रहेगा, अरे आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए ईशांत शर्मा का तो एक तो रिकॉर्ड इंग्लैंड में अच्छा खासा है, देखिए लॉर्ड्स के मैदान पे भी और बाकी जगह भी, साउथहैम्पटन है वैसे, लीड्स वगैरह, आयरन के व्यूज भी चल रहे होते एक्सपीरियंस है। बट यार देखो मोहम्मद सिराज की आप एक बात बोलो तो मैं मानता हूँ ईशांत शर्मा के पास एक्सपीरियंस है और उन्होंने इंग्लैंड में मतलब 7 विकेट भी ले रखे एक बार 2014 में, तो रिकॉर्ड्स उनके बहुत बढ़िया है। बट एक बार आप सिराज को भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, तो दोनों में से अब वो तो मैनेजमेंट फैसला देती है, बट मुझे लगता है भाई सिराज बैठेंगे ईशांत के लिए। अरे भाई मौका तो बाद में, अभी इंग्लैंड वाली सीरीज है, पहले WTC तो जीत जाने दो यार, एक ICC ट्रॉफी तो घराने दो। ईशांत शर्मा बढ़िया विकल्प रहेंगे, अभी हम दोनों का तो मानना ही है, आर्यन ने अपने व्यूज रखे हैं। नहीं आर्यन आप कह रहे हो, नहीं आर्यन अगर आप कह रहे हो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, फिर तो आप उमेश यादव को भी नहीं कर सकते, उमेश यादव तो थोड़े बेहतर है मोहम्मद सिराज। उमेश यादव तो भाई हाँ ये बिल्कुल उमेश यादव है, हाँ 15 के स्क्वाड के अंदर है, एक बार डिस्कस भी करेंगे कि माने से जो 15 का जो 15 मेंबर का स्क्वाड है उसके अंदर बैटिंग में भी काम आ जाएंगे बढ़िया एकदम, लेकिन उनको पता नहीं खिलाया नेक्स्ट टाइम, कोई भरोसा नहीं। मैं थोड़ा सा आश्चर्य जब हुआ था मुझे कि आपने ओपनर का बैकअप नहीं लिया, मान लीजिए अगर कोई इंजर्ड होता था तो आप वैसे तो चलो रिप्लेसमेंट के तौर पर बुला लोगे, लेकिन उस वक्त जो मौजूद होगा ना उसकी प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी, और केएल राहुल को मैं देख रहा था इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे इंटर स्क्वाड के अंदर, तो मैं चाहता था केएल राहुल और शार्दुल को मौका मिले, क्योंकि शार्दुल की बैटिंग आपने देखी नहीं, प्रैक्टिस में भी इतनी मस्त कर रहे थे, तो क्या कि ओपनिंग नहीं कह रहा अच्छा। बॉलिंग में कह रहा हूँ मैं तो शार्दुल को क्या पता अगर खिलाते तो बहुत सही रहता, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत बढ़िया है।
आपको क्या लगता है कि 15 के स्क्वाड के अंदर किसको मौका मिलना चाहिए था? केएल मयंक को नहीं मिली जगह, केएल को भी नहीं मिली, वॉशिंगटन को भी नहीं मिली और शार्दुल को भी नहीं मिली। सबसे मेन सवाल आता है कंकशन का, अगर 1% भी चांस निकल के आता है तो फिर स्टैंड बाय में उतरेगा कौन? 15 सदस्य वाली टीम है तो कंकशन होता भी है, अगर मान लीजिए किसी का भी हो गया, रोहित शर्मा का ले लीजिए आप या गिल का ले लीजिए, भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा हो नहीं। पर एक एक्सपर्ट ने एक सवाल पूछा था कि किसी एक एक्सपर्ट ने कि अगर कंकशन हो गया तो करेंगे क्या आप, तो उस मौजूदा स्थिति में ये एक बढ़िया विकल्प नहीं बैठता, एक स्टैंड बाय तो रखना पड़ता ही है, या तो आप केएल राहुल को रखते हैं, मयंक अग्रवाल को रखते हैं। और रिद्धिमान शाह का सिलेक्शन कुछ हजम नहीं हो रहा मुझे यार, मतलब पहले आया कि वो पॉजिटिव हो गए, फिर बीसीसीआई ने बोल दिया कि नहीं आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर केएस भरत को लाया, केएस भरत के बाद अब साहा को फिर से ले लिया, तो ये क्या हो रहा है? लेकिन मैं मानता हूँ कि साहा से ज्यादा बेहतर केएल राहुल थे विकेट कीपिंग स्किल्स में, नहीं कह रहा बैटिंग में भी कह रहा हूँ। देखो साहा विकेट कीपिंग स्किल्स में तो रिद्धिमान शाह बेटर है, ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों से रिद्धिमान शाह बेटर है। सही बोल रहे कि रिद्धिमान शाह बेटर है, कुछ कह रहे हो, बट अगर आप बैटिंग की बात करें तो ऑब्वियसली देखो केएल राहुल बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करते थे रिद्धिमान शाह से, मैं मानने से बिल्कुल एग्री करता हूं कि विकेट कीपिंग स्किल्स में तो बढ़िया है, बट अब बैटिंग स्किल्स में पहली बार चलो चलो तो इंडिया का क्या एडवांटेज है जो न्यूजीलैंड में नहीं है? देखिए इंडिया का एडवांटेज है, इंडिया का एडवांटेज देखिए सबसे पहले कुछ की प्लेयर्स की जैसे ऋषभ पंत हैं वो गेम चेंज कर सकते हैं कभी भी, रविंद्र जडेजा हैं, रविंद्र जडेजा मतलब पूरे अच्छे खासी कसर निकालेंगे 2019 सेमीफाइनल की, तो देखना भी है, और थोड़ा स्पिनर्स का भी अहम भूमिका रहेगी, लेकिन स्पिनर्स की अहम भूमिका सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा आएगी, जब टीम न्यूजीलैंड की सेकेंड इनिंग्स होगी उस टाइम पे टीम की स्पिनर्स की अहम भूमिका आएगी, फर्स्ट इनिंग्स में एज सच कोई प्रदर्शन रहेगा नहीं, तो आपको देख सकते हैं कि शुरुआत के कुछ ओवर्स या पहला सेशन ही फास्ट बॉलर से निकल जाए, ये भी देखने वाली बात हो सकती है। आर्यन आपको क्या लग रहा है इंडिया का एडवांटेज जो न्यूजीलैंड पे भारी पड़ सकता है? देखो मेरे को लगता है चेतेश्वर पुजारा के एडवांटेज हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर है जो मतलब भाई आपको मतलब न्यूजीलैंड के पास ऐसा प्लेयर नहीं है, और अगर मान लो कोई बढ़िया ऐसी कंडीशन आ गई कि ड्रॉ जैसी कंडीशन तो आएगी नहीं, मतलब आपको ओवर निकालने हो तो ऑल प्लेयर्स तो क्या मतलब डिफेंसिव खेल खेलते आउट हो जाते हैं, बट चेतेश्वर पुजारा बॉल भी रोक लेते हैं, विकेट भी नहीं गिरने देते और सामने वाले पर प्रेशर भी नहीं बनने देते, तो मुझे लगता है चेतेश्वर पुजारा एक बहुत बढ़िया एडवांटेज रहेंगे। एंड स्पिनर्स की बात करें तो इंडिया के पास स्पिनर्स ज्यादा बढ़िया है, रविचंद्रन अश्विन है, और न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स है भी नहीं कोई बढ़िया। एक मुझे तो दो एडवांटेज लगते हैं, एक तो मिडल ऑर्डर इंडिया का और दूसरा इंडिया के स्पिनर्स, क्योंकि मिडल ऑर्डर आप न्यूजीलैंड का देखोगे तो रॉस टेलर का भी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं चल रहा, उसके बाद हेनरी निकल्स आते हैं तो उनका भी ऐसा कुछ खास प्रदर्शन, रॉस टेलर अभी फॉर्म में आया, अभी 80 रन मारे इंग्लैंड के खिलाफ, तो रॉस टेलर को आप ऐसे नहीं कह सकते कि फॉर्म में नहीं है, हैं फॉर्म में, लास्ट के मैच में मारे थे मतलब, लेकिन हेनरी निकल्स का भी इतना कोई खास फॉर्म नहीं चल रहा। मैं कंपैरिजन के अंदर बता रहा हूँ कि इंडिया का जो मिडल ऑर्डर आता है वो आता है पुजारा, कोहली, रहाणे, तो वो थोड़े फार बेटर है उनसे। एक है विराट कोहली का रिकॉर्ड, 2018 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, 10 इनिंग्स के अंदर 600 से ऊपर रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ ही उनके करते, तो ये भी देखने वाला हो सकता है, और रिकॉर्ड्स पे भी थोड़ा मैटर करती है करंट परफॉर्मेंस आपकी, तो एक कॉन्फिडेंस सा रहेगा भी। रोहित शर्मा ने अभी 2019 में ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए, वो इंग्लैंड के पिचेस पे बनाए, तो ये भी एक थोड़ा सा पिचेस से रूबरू होंगे, बिल्कुल होंगे, ये भी कुछ हो सकते हैं एडवांटेजेस। तो अपन अब मैच विनर की बात कर लेते हैं कि अगर कोई ये खिलाड़ी और कैसी भी परिस्थिति और वो मैच निकाल ले तो मैच विनर कौन लगता है आर्यन आपको, कोई मैच विनर इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों की तरफ से? देखो अगर इंडिया की बात करूँ तो मुझे लगता है चेतेश्वर पुजारा एज वेल एज ऋषभ पंत, जबकि अगर न्यूजीलैंड की बात करूँ तो मुझे लगता है केन विलियमसन, रॉस टेलर दोनों ही बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। मानस आपको क्या लगता है? नहीं मैं गेम विनर, मैं तो विनर की बात ही नहीं करने वाला, मैं पता है आपको आईपीएल से मेरा बहुत अच्छा नाता है, तो मैं तो गेम मैं तो बात ही नहीं करने वाला तो मैं अगर मैच विनर की बात करूं तो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से होंगे टिम साउथी, क्योंकि टिम साउथी को बहुत लोग अंडररेटेड मानते हैं, लेकिन वो है इतने शानदार, उनकी जितनी तारीफ होनी चाहिए उतनी होती है नहीं, और बढ़िया स्विंग भी कराते, तो मैं चाहूंगा कि टीम मुझे भाई लगता नहीं है न्यूजीलैंड की तरफ टीम साउदी हो सकते हैं, क्योंकि यार पता नहीं न्यूजीलैंड वालों को टीम साउदी पर इतना भरोसा है, बट यार मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अभी आप देख लो अभी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, दो सुपर ओवर हुए थे, दोनों में हारे थे टीम साउदी की वजह से, तो मुझे तो समझ नहीं रहे हो आर्यन, यही तो कह रहा हूँ कि वो अंडररेटेड है,
टी ट्वेंटी में तो यार कोई भी शूट देता है। टी ट्वेंटी में आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कुछ अलग ही होता है। टेस्ट क्रिकेट लाल बॉल भारी होती है, स्विंग भी होती है, व्हाइट बॉल इतनी कहां स्विंग होती है उसके मुकाबले। अरे यार बट टीम सऊदी का लोग पता है, अब निशांत बोर्ड अंडररेटेड, बट यार मेरे को तो भाई वो ओवररेटेड प्लेयर लगता है सही में। और मेरे को उतना कोई खास उनसे ज्यादा बढ़िया तो भाई ट्रेंट बोल्ट लगते हैं, देखो सही बात बताऊं परफॉर्मेंस। देखिए मैं टीम सऊदी की तरफ ज्यादा, आप उनके आंकड़े देख लीजिए टीम सऊदी के, और अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है वो भी देख लीजिए। इतने सारे विकेट्स निकाले, बढ़िया स्विंग हो रहा था उनका, और जो इकोनॉमी थी वो भी 1 या 2 के आसपास ही थी, इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि उस पिच से वो रूबरू हो चुके हैं कि कैसी आएगी, और उनके पास ऐसी बढ़िया स्पिन, वो स्पिन क्या स्विंग, तो ऐसी गति होती है। तो यार मानस का भी ये कहना है, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मानस ने भी ये कहा था कि टीम सऊदी थोड़े ज्यादा भावी मतलब थोड़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं और इंडिया के खिलाफ ऐसा कोई बढ़िया प्रदर्शन दे भी सकते हैं। मानस आपको क्या लगता है? यही है जो मैंने कहा था कि टीम सऊदी क्या करता है, वेरिएशन लाते हैं बॉल में, तो वो भी हो सकता है। अभी इन स्विंग आउट स्विंग हर बॉल में आपको देखिए वेरिएशन अलग अलग होगा, तो थोड़ा सा ये है कि स्लिप्स की भी अहम भूमिका रहेगी। कितनी स्लिप्स, मेरे हिसाब से 4 स्लिप्स शुरुआत में तो रहेगी एकदम से, मैक्सिमम मिनिमम तो 4 स्लिप्स लगाएंगे शुरुआत में। और स्लिप में कैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा ही कैचेस देखने को मिल सकते हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इंडिया दोनों की साइड से। तो ले लो कि हाँ, जो भी दोनों टीम्स पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेकेंड और थर्ड डे बारिश होने की संभावना है, तो फिर अगर बाद में बैटिंग करती है तो थोड़ी सी पेस कंडीशंस भी थोड़ा तंग कर सकती हैं। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो 250 से 300 रन के बीच में बनाएगी। तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि पहले सेशन में जो भी टीम खेलेगी उसके पहले सेशन में 2 विकेट गिरेंगे। देखिए मेरी एक प्रेडिक्शन है, जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग तो लेगी। अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग लेती है तो डेवन कॉनवे बनाएंगे 45 प्लस रन उस डे के अंदर, कितने भी हो सकते हैं 45 से प्लस। और अगर इंडिया बैटिंग करने आती तो रोहित शर्मा बनाएंगे 35 प्लस। शुभमन गिल मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी आउट हो जाएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के अंदर टीम साउथ ही थोड़े विकेट लेंगे शुरू के अंदर 1-2, और इंडिया की तरफ से देखा जाए तो बॉलिंग के अंदर विकेट लेंगे ईशांत शर्मा। ईशांत मतलब शुभ तो बोल रहे हैं, सवाल था कि शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाएंगे। अरे यार क्यों होना है यार, अभी से ही मतलब भैया वो ना बता। मेरी जो प्रेडिक्शन है ना, मैं क्या है कि क्रिकेट एनालिसिस दोनों तरफ से करता हूँ, मैं इंडिया को सपोर्ट करूँ, न्यूजीलैंड बुरा मान जाए बेचारी, तो क्या है कि दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है ना, जब तो एक प्रॉपर सा गेम एनालिसिस हो पाएगा। और मैं थोड़ा आर्यन की जवाब देना चाहता हूँ, देखिए आप अंडररेटेड की जो ओवररेटेड कह रहे थे ना, उनके स्टैट्स मैंने आपके लिए निकाल दिए। अश्विन के स्टैट्स मैं पहले आपको अश्विन की बताऊंगा, 13 मैचेस के अंदर 67 विकेट हैं और 20 का एवरेज है 20.88, और बेस्ट है 7 विकेट 145 रन देंगे। टीम साउथी की आप देखिए 10 मैचों में 51 विकेट से 10 मैचों में 51, और अश्विन के 13 मैचेस में 67, 10 मैचों में 51 है टीम साउथी का, और एवरेज है 20.66 का और अश्विन का 20.88 का, और बेस्ट विकेट है टीम साउथी के। देखिए खास फर्क नहीं है, मैं जब भी तो दोनों को कंपेयर, मैं आपको इसलिए तो समझाने के लिए कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों एक तरह से बढ़िया बॉलर है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। आप ओवररेटेड कह रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको स्टैट्स बताई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप आर्यन? अब भाई स्टैट्स देख के तो मानना ही पड़ेगा यार। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, टीम सऊदी क्या है कि बावले हो जाते हैं जब भी उनके पास में लाल गेंद आती है, वैसे लाल गेंद के अंदर ही वो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी तो ये प्रेडिक्शन थी कि ओपनिंग के अंदर डेवन कॉनवे 45 प्लस रन बनाएंगे, रोहित शर्मा 35-40 प्लस रन बनाएंगे, बॉलिंग में ईशांत शर्मा विकेट लेंगे और वहां से टीम साउथी लेंगे। तो और आप कुछ कहना चाहेंगे डब्ल्यूटीसी की महाभारत में किसकी जीत होगी, अर्जुन या दुर्योधन? भैया भी दुर्योधन नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। केन विलियमसन का नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलो मानस के अंदर हमने आपको पूरा बता दिया है, तो इंडिया की आप एक बार बताओ, इंडिया बढ़िया बढ़िया टीमों को हराकर मतलब आई है फाइनल में। न्यूजीलैंड की देखे तो उन्होंने मेन जो टीम्स होती है ना, मतलब पाकिस्तान हो गई और मतलब इन टीमों को हराया मेन, और इंडिया बढ़िया बढ़िया टीमों को हरा कर आई है। तो और बस उन्होंने न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया अभी सीरीज में, इस वजह से मुझे लग रहा है कि मैच टक्कर का नहीं, तो शुरू में तो मेरे को लग रहा था कि इंडिया जीत सकती है आराम से, बट स्टिल अभी भी मेरे को लग रहा है इंडिया के चांसेस है मेन जीत। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपकी प्रेडिक्शन भी बता देना कमेंट बॉक्स। यूट्यूब ने इसलिए नहीं दिया कि वो खाली पड़ा रहे, थोड़ा उसको भरिए, पूरे कमेंट्स भरते रहिए जब तक डब्ल्यूटीसी चल रहा है, महाभारत चल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब।